तो भाइयों यहाँ के कुछ लोकल्स थे और ये सब अपने सब्सक्राइबर भी निकल गए, सबका 1,000 लगेगा, ठीक है। ये भाई पहुंच चुके हैं अपने इंडिया की सेला टनल, और एक टनल नहीं दो टनल बनी है। अरुणाचल के ऊपर ना चाइना की नजर बहुत ज्यादा है। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस भाई अरुणाचल प्रदेश में, इस गांव का नाम है शेरगांव, और मैं यहां से जा रहा हूं सेला टनल यानी सेला पास सेला लेक। अरुणाचल प्रदेश में जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है हमारे स्ट्रेटेजिकली भी और टूरिस्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी और रिलीजियस वाइज भी, दैट इज़ तवांग। और तवांग जाने के लिए जैसे अपने हिमालयाज में बड़े बड़े हाई माउंटेंस हैं, उन माउंटेंस के ऊपर से जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जाने से हमें एक पास क्रॉस करना पड़ता है। उस पास का नाम है सेला पास। जो तवांग है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से मिनिमम 3 से 4 महीने के लिए कट ऑफ रहता है, लेकिन रिसेंटली ही जो हमारी BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने मिलके उस टनल का निर्माण किया है। और इस टनल की जो ओपनिंग है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज से 10 दिन पहले की थी। तो यार भाई यहाँ से सेला टनल जाने में टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, लगेगा तो लगेगा, उसमें क्या ही कर सकते हैं। आप मंगा पता है क्या हुआ, आज सुबह वो भूटान निकल गया, अगर वहाँ भूटान नहीं जाता ना तो भूटान जाने के कारण मेरे 2-3 घंटे ज़्यादा लग गए, लेकिन बट ठीक है यार, एटलीस्ट 1 घंटे में तो जाके आया नहीं। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी हूँ मैं शेरगांव में, शेरगांव से बोमडिला, बोमडिला के बाद दिरांग, और दिरांग के बाद आएगा सेला पास। पास को मैं आते टाइम कवर करूँगा, जाते टाइम मैं टनल से जाने वाला हूँ, तो ये सीन रहेगा मेरा अभी। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। ये जो सामने आपको गाड़ी दिख रही है ना, ये है नॉर्थ ईस्ट की रानी सुमो। ज्यादातर जो सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपको अरुणाचल के अंदर यही मिलेगा। अरुणाचल के बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी लोग ज्यादा सुमो से ही ट्रेवल करते हैं। और ये जा रही है गुवाहाटी से तवांग। ये भाई मेरे सामने एक बाइकर भाई चल रहे हैं, ये शायद व्लॉग भी बना रहे, क्योंकि ये अभी इशारे कर रहे थे हाथों से, तो पीछे कोई बैठा तो है नहीं, तो व्लॉग ये बना रहे होंगे। तवांग जाने के लिए सबसे फेमस रास्ता यही है, और जो साइड से रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है तेंगा रिवर। अभी पहुंच चुका हूं बोमडिला में, और यहां से अगला जो मेरा स्टॉपेज होगा वो होगा दिरांग। ये देखिए ऐसे घूमते घूमते रास्ते से भाई ऊपर तक आया हूं। रास्ते बड़े प्यारे बन चुके हैं अभी यहां पे। 7-8 साल पहले अगर इधर आते ना तो आपको इस टाइप के रास्ते नहीं मिलते, लेकिन अभी अरुणाचल के अंदर रास्ते बड़े प्यारे बन रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के रास्ते पास किए हैं सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल के लिए। भाई बड़ी फास्ट हो रखी है अरुणाचल में। एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, उस रोड से आप पूरे अरुणाचल को क्रॉस कर सकते हो। आई थिंक 2-3 साल में या मैक्स 3-4 साल में वो बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें और ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो भाइयों अभी यहाँ के कुछ लोकल्स थे और ये सब अपने सब्सक्राइबर भी निकल गए। तो आपको कहाँ तक जाना है? हम लोग हवा मोड़। हवा मोड़ कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 30-40 मिनट्स? नहीं, 20 मिनट्स। सबका 1,000 लगेगा, ठीक है। मेरा पेट्रोल का खर्चा तो निकलेगा। तो भाई अभी निकल चुके हैं। वैसे आप लोग हो कहाँ से सब? यही लोकल ही है? हाँ, यही के। कामिंग के। आप लोग आपस में कौन सा लैंग्वेज में बात करते हैं? अलग अलग ट्राइब से या फिर? हिंदी। अच्छा, हिंदी में बात करते हैं। और वैसे आप कौन सी ट्राइब से हैं? मतलब आप सभी कैसे, कौन? हम लोग नेपाली हैं, हम लोग तीन, और ये जो यही का बुगुन। अरे कस्तो छ, राम्रो राम्रो। बस इतना ही आता है। जो मेरा फियोंसे है ना, जिससे शादी होगा मेरा, वो भूटान का नेपाली है। हाँ जी, तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज कौन सा चलता है? चलो भाई अब निकल गए हैं और अब आगे चलते हैं। तो भाई जो बच्चियां थी उनको मैंने यहाँ पे उतार दिया है। देवर कॉलेज स्टूडेंट्स,
और उन्होंने बोला कि सर हमने आपकी वीडियोस देखी है। मैं वाह यार। तो अभी जो बोमडिला वाला था वो चला गया है, अब यहाँ से मुझे नीचे जाना है दिरांग की तरफ। दिरांग के बाद आएगा सेला पास और सेला टनल। ठंड अच्छी खासी हो रखी है भाई बाहर। ये भाई अभी अपन दिरांग पहुंच चुके हैं। अच्छी खासी हाइट पे आ गए हैं अभी। अभी मेरा जो एलिवेशन है वो लगभग 12,000 फीट के आसपास है। सामने देख रहे हो बादल आने लग गए हैं भाई। बाहर पूरी एकदम देख रहे हो कैसा माहौल हो गया है। बादल वादल मस्त तरीके से आ गए हैं और टनल अभी भी यहाँ से 4-1 किलोमीटर आ गए हैं। गाड़ियां दिख रही हैं, बिल्कुल दिख ही नहीं रही हैं भाई, एकदम निकल रही हैं भाई। इस विजिबिलिटी का क्या करें, कुछ दिख ही नहीं रहा है बाहर। अब थोड़ी बहुत आई है भाई, ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। मेरे हिसाब से -3-4 टेम्परेचर तो होगा बाहर। वेलकम टू सेला टनल। ये भाई पहुंच चुके हैं अपने इंडिया की सेला टनल। और यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन है नहीं, और भाई एक अलग ही माहौल होने वाला है। एकदम एंट्री के ऊपर जो गौतम बुद्ध हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, और बाहर अच्छी खासी ठंड है। गाड़ी के मैं इंडिकेटर ऑन करके आ गया हूँ। सर जी ये कितना लंबा टनल है भाई? हाँ कितना किलोमीटर का होगा? कितनी देर? 5 मिनट में क्रॉस हो जाएगा क्या? 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा इसके आगे एक और है फिर, वो कितना लंबा होगा? वो आपका 1.5 किलोमीटर। वो 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। चलो थैंक यू सर जी। बाहर आते हैं ना, ठंड से लग रही है मस्त वाली। ये नीचे से ये वाला रास्ता चढ़ के ऊपर तक आया है। अब बर्फ बर्फ अच्छी खासी जमी हुई है उधर। मस्त पहाड़ है भाई, मस्त व्यू है यहाँ पे। चलो अब अपने एंट्री करते हैं सेला टनल में। अभी टनल के अंदर काम चल ही रहा है यार, जैसे लाइटिंग वाइटिंग का हो गया, बाकी छोटी मोटी चीजें हो गई वो सब चल रही हैं धीरे धीरे। और एक टनल नहीं, दो टनल बनी है। एक तो ये खत्म हो गई यहाँ पे, और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी टनल की तरफ। भाई बाहर निकलते यहाँ पे जो व्यू है ना, इसका कायल हूं मैं तो। आई थिंक ये सेला टनल का दूसरे वाला पार्ट है। इधर लिखा हुआ अरुणाचल प्राइड ऑफ इंडिया। और भाई अभी जो अपना एलिवेशन है दैट इज 13,000 फीट इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स। यार इधर तो अच्छा खासा वो हुआ है यहाँ पे। इधर मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये मेरे हिसाब से आर्मी के लिए। काफ़ी बड़ी ओपनिंग बना रखी है सेला टनल डेडिकेटेड टू द नेशन। इसकी ओपनिंग हुई थी 9 मार्च 2024, सेला टनल डेडिकेटेड टू द नेशन बाय श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इन ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ श्री पेमा खांडू, श्री राजनाथ सिंह एंड श्री किरण रिजिजू। ये पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने ये बनाया है भाई। बड़ा मस्त है यार, उधर एक एंट्री और इधर एक एंट्री। ये देखिए उधर भाई मस्त तरीके से बादल आ रखे हैं, और अब मैं इस वाले पार्ट के अंदर एंटर करने वाला हूँ। ठंड अच्छी खासी है, अब बाहर ज़्यादा रुका नहीं जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये बन गया है ढंग से। इस वाले पार्ट में लाइटिंग भी लगी है। मेरे साथ जो अपने पीएम मोदी हैं उन्होंने यहीं पे आके ओपनिंग की थी।
तो भाई ओपनिंग करने के लिए अच्छे वाला पार्ट तो करना पड़ता है ना। काफी मस्त बन गई है भाई ये तो। इधर आते आप व्यू देखिए, ऊपर से जो वाटरफॉल है भाई वो सब जमे हुए हैं। इतनी नेक्स्ट लेवल ठंड है, मस्त है भाई सेला टनल। इधर गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ये घास असली है नकली? अरे नकली घास चिपका रखा है, लेकिन अच्छा बनाया भाई, सच में तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ की। आने वाले टाइम में यहाँ पे काफी जो रेस्टोरेंट है वो खुल जाएंगे, मोमो कैफे। ये देख लीजिए अभी ऐसा दिखता है, आज से एक साल बाद यहाँ का जो पूरा का पूरा माहौल है ना वो सब चेंज हो रखा होगा। गेट वे टू तवांग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मस्त लग रहा है भाई। ऊपर मस्त तरीके से बर्फ जमी हुई है। आप लोग भी पहली बार आए क्या सर इधर? कहाँ से है आप लोग? कहाँ से है? ईटानगर। ईटानगर से? बड़ा सुंदर है, मस्त व्यू है भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब भाई कोशिश करूंगा सेला पास की तरफ जाने की। बाहर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, बाहर तो हाथ जमने ही थे। और ये देखिए भाई गेटवे टू तवांग, सब कुछ नया है यहाँ पे। तो अभी उतना अच्छा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक साल बाद ये जगह है ना बहुत प्यारी हो जाएगी यार। ये देखिए भाई ये है सेला लेक, एकदम फ्रोजन लेक है, मस्त वो है। और आगे रह गया सेला पास, अभी उसकी तरफ ही जा रहा हूँ मैं। ये तवांग के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा होली लेक है, तो इस लेक के अंदर आप डुबकी उपी नहीं लगा सकते, लेकिन आप लेक को ढंग से देख सकते हो। लेक के चारों तरफ आपको ये फेंसिंग टाइप में मिलेंगी। अभी भी लेक फ्रोजन है भाई, मस्त ठंड हो रखी है यहाँ पे। अभी ये मान लीजिए यार मार्च का मिड आ रखा है, तो अभी अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। इवन तो ये रोड तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन बाकी जगह आप देख ही सकते हो। उधर से थोड़ा थोड़ा पानी पिघलना स्टार्ट हो गया, लेकिन बाकी जगह अभी भी अच्छी खासी स्नो जमी हुई है। ये भाई अपने नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पास माना जाता है। ऊपर पास थोड़ा ऊपर रह गया, ये था यहाँ का लेक, और अभी उसकी तरफ ही जा रहे हैं। ये देखिए भाई पहुँच चुके, ये है सेला पास। सेला पास वार्तक वेलकम्स यू एट सेला पास, और अपनी हाइट है 13,700 फीट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेला पास एजला मिन पास एज हाई अल्टीट्यूड लोकेशन तवांग डिस्ट्रिक्ट। मस्त माहौल हो रखा है ना बाहर, ठंड बहुत ज्यादा है यार, ज्यादा देर बाहर रहा नहीं जाता, हाथ ठिठुरने लग जाते हैं। बाहर अभी आप टेम्परेचर देखिए 0 डिग्री हो रखा है, टाइम हो गया है 5:46, और अब मुझे निकलना चाहिए धीरे धीरे, बाहर अंधेरा हो रहा है ना। आपको पता ही है इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर सनसेट जल्दी हो जाता है। भाई साइड में जो आपको लेक दिख रहा है ना, दैट इज सेला लेक, और अभी भी लेक हाफ फ्रोजन है। मस्त तरीके से बादल हो रखे हैं मेरे हिसाब से, जब अपने आप समर में आएंगे ना तो एकदम हरा भरा मिलेगा। सर जी कैफे खुला है क्या? ये खुला होगा। थैंक यू भाजी, थैंक यू सर जी। ये है भाई वेलकम टू तवांग, वेलकम टू सेला बुद्धा स्टेचू। भूख लगी है, कुछ खा के फिर नीचे जाएंगे। बर्फ देख रहे हो, यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है। ऊपर जाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाइयों मैं अभी एक कैफे के अंदर आ चुका हूँ, ये अपने SSB का कैफे है। कैफे का नाम क्या है सर जी? कोई नाम नहीं है। अच्छा सशस्त्र सीमा बल कैफेटेरिया बन गया। SSB कैफे, सशस्त्र सीमा बल कैफेटेरिया। SSB यानी SSB अपने नेपाल और भूटान बॉर्डर के ऊपर आपको मिलेगी, सशस्त्र सीमा बल। और यहाँ पे भाई मुझे एक हीटर भी मिल गया, ये हीटर चलता है केरोसिन से। यार बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, यहाँ पे ना एकदम मस्त गर्म हो रखा है, मस्त हीटर लगा हुआ है, और बाहर होगी ठंड, लेकिन कोई नहीं गाड़ी में जाते बैठ के हीटर ऑन कर लूंगा। चलो थैंक यू भाइयों, थैंक यू, बाय बाय। यार यहाँ पे ना कुछ देर पहले केरला के कुछ भाई आए थे, उनके साथ मैं बात कर रहा था, और जाते टाइम उन्होंने मेरी पेमेंट भी कर दी। मैंने जब यहाँ के आगे पूछा यार कितना हो गया मेरा पेमेंट, क्योंकि एक मैगी खाई है मैंने, 3-4 चाय पी है, बोलते कुछ नहीं आपका, वो जो केरला वाले भाई आए थे उन्होंने पेमेंट कर दी। ओके बाय बाय सेला पास, हम नीचे जाते हैं भाई। रास्ते में यार धुंध अच्छी खासी मिलने वाली है,
अभी यहाँ पे एसएसबी के जो भाई थे उनमें से एक भाई थे आंध्र प्रदेश से और एक अपने असम के, तो उन दोनों के साथ मस्त बातें कर रहा था यार। थोड़ा थोड़ा डीजी भी फील हो रहा है क्योंकि आज मैंने अच्छा खासा एलिवेशन लिया है, 0 से लेके 4200 मीटर। अभी मेरा एलिवेशन 4200 मीटर है और अब भाई नीचे जाना है। देख रहे हो बाहर का माहौल, बादल बादल मस्त आ रखे हैं, अंधेरा हो चुका है भाई। चीजें हैं ना अब चैलेंजिंग होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे कट्स बहुत ज्यादा हैं और कट्स के साथ साथ ये बादल भी अच्छे खासे आ रखे हैं। सारी लाइट ऑन कर रखी हैं जितनी भी लाइट है मेरे पास, और लाइट में भी मैंने हाई बीम ऑन कर रखा है। जगह जगह कट्स हैं भाई। ये वाला रास्ता था भाई पुराना तवांग जाने का, लेकिन अब रास्ते अच्छे बन रहे हैं, पूरा रास्ता 2 लेन हो जाएगा। अरे वाइट लाइट दिक्कत तो देती है ठंड में, यहाँ पे येलो लाइट होनी चाहिए ताकि आपको ढंग से दिख तो जाए चीजें। विजिबिलिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है भाई। ये सामने वाला जो रास्ता है ये सेला टनल की तरफ जा रहा है, ये वाला आगे निकल के सेला टनल की तरफ, और यहाँ से अब रास्ता 2 लेन हो गया है। देख रहे हो कितना मस्त बना दिया है भाई। एक तो यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर आए थे तो इस कारण से भी इस रास्ते के ऊपर ये सारी चीजें बिछाई हैं, लेकिन वैसे भी अरुणाचल में आजकल रास्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं भाई। भाई मैं दिरांग पहुंच गया हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे बोमडिला ही निकल जाऊँ, यहाँ पे अभी टाइम है मेरे पास, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा करना है नहीं और कल सुबह मुझे आगे की तरफ निकलना है नागालैंड की तरफ। तो भाइयों बोमडिला पहुंच चुका हूं मैं और अब जा रहा हूं अपने होम स्टे में। रात के 9 बज चुके हैं यार, तो सही टाइम पे पहुंच गया मैं। गुड मॉर्निंग गाइस। इधर भाई मैं हीटर के सामने बैठा हूँ। कल रात को जैसे कि मैं दिरांग पहुंच गया था, यहाँ पे दिरांग आने के बाद है ना यार मेरे, एक तो वहाँ पे मुझे आप लोगों से एक दो बातें करनी थी, स्पेशली अबाउट द सेला टनल। जो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था ना सेला टनल 11 किलोमीटर की है, मैंने आके विकीपीडिया के ऊपर चेक किया तो विकीपीडिया पे है ना काइंड ऑफ ठीक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा लिखा हुआ कि 11 किलोमीटर का एक नया रोड बनाया गया, उन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ था कि 11 किलोमीटर की टनल बनाई गई है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने उस फैक्ट को ये सोचने लगा कि भाई 11 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, मेरे दिमाग में ऐसा माहौल कि भाई साहब कुछ अलग ही होगा। हाँ भाई अब बात करते हैं जो सेला टनल है इसकी अपने इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस है। एक तो कि अरुणाचल के ऊपर है ना चाइना की नज़र बहुत ज़्यादा है, चाइना चाहता है कि अरुणाचल के अंदर बार बार वो इस टाइप की मूवमेंट करता रहे जिससे इंडिया की जो स्टेबिलिटी है उसको वो करने के लिए, तो चाइनीज आर्मी अपने अरुणाचल के जो बॉर्डर हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करता है, कई बार अपनी इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर आ जाता है, और एक दो जगह तो ऐसी भी हैं जो शायद अरुणाचल की चाइना ने कैप्चर कर ली है कुछ मीडिया रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया एक तो अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करना है, और खास करके अरुणाचल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इतना ज्यादा बूस्टअप करना है कि जो एक तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ सके, दूसरा यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, और तीसरा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि अगर मान लो कभी भी कोई हॉस्टाइल सिचुएशन होती है तो जो हमारी आर्मी की मूवमेंट है उसमें कोई भी रुकावट ना है, बहुत जल्दी वो आर्मी पहुंच सके। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आई थिंक 2-3 साल पहले ही अरुणाचल के लिए 24,000 करोड़ के रोड पास आउट किए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अरुणाचल में जितने भी इंपॉर्टेंट रोड है ना उनको एक तो नए स्ट्रक्चर से बना रहा है कि लैंडस्लाइड अगर होती भी है तो भी रोड्स के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो, और दूसरा पूरा एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है जो अरुणाचल की जितनी भी वैलीज है उन सबको एक हाईवे से कनेक्ट करेगा। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको तवांग से ईटानगर जाना है तो यहाँ से लोग क्या करते हैं पहले असम में एंटर करते हैं और फिर वापस अरुणाचल में आते हैं, लेकिन ये जो नए रोड बन रहे हैं इनके थ्रू डायरेक्ट आप अरुणाचल के लोगों को असम के अंदर एंट्री नहीं लेनी पड़ेगी। जो और बड़ा फैक्टर है आर्मी वाला, अपनी जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो इजिली हो जाएगी, और दूसरा तवांग एरिया में चाइना के इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही हैं, तवांग जो एरिया है वहाँ तक जाने के लिए आपको सेला पास क्रॉस करना पड़ता है, और सर्दियों के टाइम पर सेला पास 3 महीने के लिए बंद रहता है,
नॉन एक्सेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। 2017 या 2018 में इंडियन गवर्नमेंट अपनी डिसाइड करती है कि यहाँ से एक टनल पास होगी। ये बात बड़ी सही लगी, 2018 में टनल पास हुई थी और 2024 के अंदर इस टनल का इनॉग्रेशन भी हो गया। टनल उतनी बड़ी नहीं थी लेकिन स्ट्रेटेजिकली और टनल को बनाना इतना कुछ आसान नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर आपने कल देखे थे किस टाइप के टेम्परेचर हैं और भाई वहाँ का एलिवेशन भी बहुत खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लद्दाख वद्दाख जाते हो तो आप धीरे धीरे एडजस्ट होकर जाते हो, लेकिन अरुणाचल में यूँ देखिए, कल सुबह जब मैंने अपनी राइड स्टार्ट की थी सुबह 6:30 बजे तक मेरा एलिवेशन 50 मीटर या 70 मीटर का मैक्स 100 मीटर मान लीजिए जब मैं भैरव कुंड में था। कल मैं सीधा 100 मीटर से 4200 मीटर तक पहुंच गया था, 4 किलोमीटर हाइट मैंने क्लाइंब कर ली थी। इतना जल्दी आप अपने उस साइड नॉर्थ इंडिया की तरफ नहीं कर सकते, लेकिन सिक्किम में भी बहुत जल्दी आप एलिवेशन गेन कर सकते हो और यहाँ पे भी, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ते जाओ और आप बहुत जल्दी हाई एलिवेशन पे पहुँच जाओगे। लेकिन ये जो फीट है इस कारण से, और जैसे ही अपने पीएम मोदी यहाँ पे आए और पीएम मोदी ने इस टनल की इनॉग्रेशन की, चाइना के अंदर भाई चाइना भड़क गया कि भाई अरुणाचल हमारा पार्ट है वगैरह वगैरह, ये सब बकवास करने लग गया। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आके एक स्टेटमेंट भी दी कि हमारी टेरिटरी के अंदर इंडिया को कोई भी हक नहीं है डेवलपमेंट करने का। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत तगड़ा स्टेप था। पीएम मोदी को ही इसकी इनॉग्रेशन करनी चाहिए थी ताकि एक मैसेज जाए, बाकी चाहे कोई भी ओपनिंग हो और कोई कर सकता था, लेकिन अरुणाचल में अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको हमारे जो कंट्री के पीएम है उनको आके इनॉग्रेट करना चाहिए ताकि चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि नहीं भाई अब इंडिया पुराने हिसाब से नहीं खेलेगा। क्योंकि जब 1962 का वॉर हुआ था ना, उस टाइम पर चाइना ने हमारी एक तो काफ़ी एरिया को लिया अरुणाचल के। कुछ बातें मेरे को ये समझ नहीं आती, चाइना है ना अपने काफ़ी अंदर तक आ गया था लेकिन वापस चला गया था। एक तो ये हो सकता है कि हमारी जो नीचे से आर्मी थी वो पहुंच गई होगी, और दूसरा मुझे लगता है कि उस टाइम पे कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हुआ था। तो 1962 वॉर के टाइम पे चाइना बैक ऑफ क्यों किया था, इसके पीछे के आप रीज़न मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसी टनल को मैं यहाँ पे देखने आया था क्योंकि काफ़ी मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़े थे कि भाई चाइना बौखलाया हुआ है जैसे ही इंडिया ने यहाँ पे ये टनल ओपन किया, और जैसे इंडिया लद्दाख के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप कर रहा है और सिक्किम के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप कर रहा है, और दूसरा जो अपना अरुणाचल है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप कर रहा है। नॉट जस्ट अरुणाचल, अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्टअप हो रहा है। अब आप आगे यही देखने वाले हो, आज मैं यहाँ से आगे की तरफ निकल जाऊँगा। बाकी भाई ये है बोमडिला, ये मेरा गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हुआ था, यहाँ पे मैंने पे किया 1000 रुपीज़ पर नाइट, और अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ निकल जाऊंगा। अब की बार अरुणाचल में मेरा कोई लंबा रुकने का प्लान नहीं था, लेकिन मुझे ये सेला टनल देखनी थी। मेरे दिमाग में हवा बनी हुई थी कि ये टनल 11 किलोमीटर की है, मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ आया था। इवन दो टनल इज रियली गुड और ये अपनी कंट्री के लिए बहुत सही है, लेकिन मेरा वो 11 किलोमीटर वाला जो था ना वो टूट गया। मैं यार 11 किलोमीटर किसी टनल के अंदर चलाने में मज़े ही अलग आते। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और भाई जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अब भाई निकलने का टाइम आ गया है।